السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين محترم معزز بھائیو بزرگو عزیز دوستو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عنقریب ہمارے سامنے سایہ فگن ہونے والا ہے جس مہینے کا برسوں سے مہینوں سے انتظار تھا وہ مہینہ عنقریب ہمارے سامنے نمایاں ہو جائے گا مختلف ذہن رکھنے والوں نے مختلف اعتبار سے رمضان کی تیاری شروع کر دی کاروباریوں نے اپنے مال کو بڑھانا شروع کر دیا اور دیگر دماغ رکھنے والوں نے اپنے اشیاء کی نمائش شروع کر دی عورتوں نے دسترخوان اور برتن خریدنا شروع کر دیا اور افطاری کے اسٹالوں نے اپنے افطاری کے اسٹال کے ساز و سامان بنانا شروع کر دیا اسی طرح مساجد والوں نے رنگ و روغن کرنا شروع کر دیا مختلف اعتبار سے جس جس نے جو جو تیاری کو لازم سمجھا اس اس طرح اپنے اپنے اعتبار سے تیاری میں لگ گئی دیکھنا یہ ہے اصل تیاری کیا ہونی چاہیے رمضان المبارک کی تیاریوں میں اصل تیاری کیا ہونی چاہیے جس طرح ہم لوگ مختلف اعتبار سے تیاری کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح کی تیاری کا حکم دیا صحابہ نے کس طرح کی تیاری کی اولیاء نے اتقیاء نے اصفیاء نے علماء نے محدثین نے قطب و ابدال نے کس طرح کی تیاری کی ان کی تیاریاں کس قسم کی ہوا کرتی تھیں اور ہماری تیاریاں کس قسم کی ہوا کرتی ہیں ہماری تیاریاں ظاہری ہوتی ہیں اور ان کی تیاریاں حقیقی ہوتی ہیں ہماری تیاریاں عارضی ہوتی ہیں اور ان کی تیاریاں دائمی ہوتی ہیں ہماری تیاریاں دکھائی دینے والی چیزوں پر اور ان کی تیاریاں اللہ کو راضی کرنے والی چیزوں پر اور اللہ تعالی وہ چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتا جو چیزوں کی طرف ہم توجہ دیتے ہیں
जैसे कि बकरीद के मौके पर भी लन यनालल्लाह लुहूमुहा, अल्लाह ताला के पास तुम्हारे गोश्त नहीं पहुँचते ना ही खून, वलाकि यनालुहु तक्वा मिनकुम, अल्लाह के पास तो तकवा पहुँचता है हर बंदे का। कितना अल्लाह से ताल्लुक़ है, कितना गुनाहों से बचने का इरादा किया, कितना इसके अंदर अल्लाह का खौफ है, कितना इसके अंदर अल्लाह की खशियत है, कितना ये अल्लाह से जुड़ा हुआ है, ये चीज़ अल्लाह के पास पहुँचेगी, ना कि ज़ाहिरी अशिया। हमारे खटोरे, हमारे फ्रूट्स, हमारे दस्तरखान, हमारे रंगो रोगन, इसको देखेगा रमज़ान? रमज़ान ये देखेगा? कितने ऐसे नेक और पाक बरगुजीदा हस्तियां हैं जिनका इंतज़ार रमज़ान को रहता है। एक वो है जो काबे की जानिब जाता है, एक वो है काबा उसका मुंतज़िर रहता है, एक वो है जो रोज़े अक़दस के जानिब जाता है, एक वो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आमद का इस्तकबाल करते हैं, एक वो है जो रमज़ान का मुंतज़िर है, एक वो है रमज़ान उसका मुंतज़िर है, एक वो है जो मस्जिद की जानिब आता है, और एक वो है जिसके आने पर मस्जिद रोशन हो जाती है। असल देखना क्या चाहिए? अल्लाह वाले रमज़ानुल मुबारक को जो जिस नज़र से देखते थे उस नज़र से हम का देख रहे हैं। होना क्या चाहिए? भाई इस्तग़फ़ार करो। सबसे पहली चीज़ अल्लाह की रहमत पाकी चाहती है। अल्लाह की रहमत को नापाकी से नफ़रत है। भाई हम लोग मस्जिद को आते हैं, मस्जिद में क्या दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा अफ्तहली अबवाब रहमतिक, ये रहमत का मरकज़ है। और मस्जिदों को पाक रखने का हुक्म है, वतहीर बैती लि ताइफीन वल आकिफीन वर रुकअ सुजूद, मस्जिद को पाक रखने का हुक्म है, पाक रखा करो मसाजिद, ना पाक नहीं, मस्जिदों को पाक रखो हर चीज से पाक, गंदगियों से पाक, बुरी बातों से पाक। मस्जिद में बैठकर गीबत नहीं, गंदी बातें नहीं, बुलंद आवाज़ नहीं, गलत बातें नहीं, गलत हरकतें नहीं, गलत काम नहीं, कोई भी बेहुदा हरकतें मस्जिद में नहीं करनी चाहिए। क्यों? मस्जिद को पाक रखने का हुक्म है। लिताइफीन वल आकिफीन वर रुकअ सुजूद, किसके लिए? हरम के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तवाफ करने वाले यहाँ आएंगे, हरम के अलावा तवाफ कहीं भी नहीं होगा। तवाफ जो होगा वो सिर्फ हरम में होगा, काबे का होगा, उसके अलावा किसी का नहीं होगा। दीगर जगहों का दोनों हुकुम उसके बाद का वो सब मसाजिद के लिए है, लिताइफीन हरम के लिए, वल आकिफीन एतकाफ करने वाले, एतकाफ करने वालों के लिए सहूलतें पैदा करो। मस्जिद के जिम्मेदारों के जिम्मे हैं एतकाफ करने वालों के लिए सहूलतें पैदा करो, एतकाफ करने वाले परेशान ना हो। माशाल्लाह बाज मसाजिद में चंद बैतुल खले खास कर दिए, भई ये एतकाफ करने वालों का बैतुल खला, जब रमज़ान आएगा एतकाफ करने वालों का ये बैतुल खला होगा, उसमें कोई और इंसान नहीं जाएंगे। क्यों? अरे एतकाफ करने वाले क्यू में खड़ेंगे तो क्या हाल होगा? एतकाफ में डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? वो भी क्यू में खड़े हुए हैं, वो भी लाइन में खड़े हुए हैं। अब भाई लाइन में खड़े हुए हैं, उल्टे सीधे उनके दोस्त आएंगे और उल्टी सीधी बातें करेंगे, और ये एतकाफ करने वाला बेचारा उन बातों से बच नहीं पाएगा, मजबूरन खैर खैरियत पूछने में उसे वक्त लग जाएगा, टाइम लग जाएगा, और एतकाफ में इसके ज़रिए से खलल पैदा होगा। इसलिए सीधा जाओ एतकाफ वालों के बैतुल खले में, अपनी ज़रूरत पूरा करो, सीधा वापस आ जाओ। और उनके लिए मुस्तकिल जगह,
मुख्तस किया जाता है, पर्दे लगाए जाते हैं ताकि मोतकफीन एतकाब में पाबंदी से बैठें, कोई डिस्टर्ब ना करें। वलाकिफीन एतकाफ करने वाले, वो रुकई सुजूद रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, नमाज अदा करने वाले आएंगे। उलमा फरमाते हैं दो को अलग अलग क्यों बयान किया, रुका कहते हैं नमाज पढ़ने वालों को, सुजूद कहते हैं तिलावत करने वालों को, इसलिए कि तिलावत में 14 सजदे हैं। मैं नमाज जो होगी वो रुकू सजदे वाली ही होगी, लेकिन अलग अलग क्यों जिक्र किया। बाज़ मुफस्सिर ने कहा रुका से मुराद नमाज पढ़ने वाले, सुजूद से मुराद तिलावत करने वाले। सजदा करने वाले, तिलावत करने वाले, इनके लिए मस्जिद पाक रहे, ये हुक्म दिया गया। मसाजिद वालों के जिम्मे हैं कि मस्जिदों को पाक साफ रखो, और किन के लिए रखो, नमाजियों के लिए। किन के लिए, मोतकिफिन के लिए। किन के लिए, तिलावत करने वालों के लिए। अब जनाब रहमत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि मस्जिद रहमत का मरकज है, तो हमारा जो पहला अशरा है वो रहमतों वाला अशरा। जैसे मैंने कहा रहमत पाकी चाहती है, रहमत को नापाकी पसंद नहीं। रहमत पाकी चाहती है, रहमत को नापाकी पसंद नहीं। अब जिस वक्त हम लोग आएंगे तो मस्जिद जिस तरीके से पाक रहती है, इसी तरीके से पहला अशरे में जब रहमतें हमारी तरफ आए तो हमारा दिल उस रहमत की बसने की जगह है, हमारे आजा उस रहमत के बसने की जगह है। अब वो रहमत जब आई, दरवाजा खटखटाई, पहला अशरा रहमतों का, दरवाजा खटखटा रही है, अरे भाई दरवाजा खोलो। अब दरवाजा गंदगी से दिल भरा हुआ है, दरवाजा खुला, गंदी बदबू आई, गंदा माहौल नजर आया, गंदगी पड़ी हुई है, दिल गंद हो चुका है, गंद पाक नहीं हुआ दिल। अब रहमत आएगी और देखेगी कि जर्फ नापाक है, जगह नापाक है, और जो जिस जगह पर मैं बसने वाली थी वो इंतहाई गंदी है, तो रहमत वापस चली जाएगी। वे हम तो जा रहे हैं, हमारा इस्तकबाल सही नहीं हुआ। ये जो इज्जत के भूखे रहते हैं बाज़ लोग, वैसे बाज़ दामाद भी होते हैं अजीब व गरीब मिजाज वाले। मैं आया तुम्हारे बाबा बराबर सलाम करी नहीं, मैं आया तुम्हारी अम्मी का मुंह फेर ले चले गए, मैं आया दरवाज़ा उसी वक्त किसी तुम्हारे भतीजे ने बंद किया, अरे भाई छोटा बच्चा है बंद किया नहीं, उसे सिखाए रहेंगे। मैं आया तो दरवाज़ा बंद कर, भाई छोटे बच्चे दरवाज़ा बंद भी करते हैं, दरवाज़ा खोलते भी हैं, बच्चे बच्चे होते हैं। तो ये आया तो बच्चे ने दरवाज़ा बंद किया, वो खेल रहा था, तो उसने यूँ समझा लोग सिखाए होंगे कि ये जब आए तो दरवाज़ा बंद करो। हंगामा, क्यों, मेरा इस्तकबाल सही नहीं हुआ, मेरा इस्तकबाल सही नहीं हुआ, मेरा इस्तकबाल सही नहीं हुआ। दस्तरखान पर क्या बड़े का गोश्त रख डाले, इस बुनियाद पर तलाक हुई। अरे भाई तेरा ससरा गरीब इंसान, मजदूर इंसान, उसकी बच्ची से तूने निकाह किया चाहकर, जब तेरा खुसर बेचारा अपने पैसों की उसाद कम होने की वजह से बकरे का गोश्त नहीं रख सका, बैल का गोश्त रख दिया, तू नाराज होकर उड़कर भाग गया। ऐसी खबीस फितरत वाला, क्यों, इसलिए कि ससरे ने मेरी बेइज्जती की। क्यों, शाही खानदान में पैदा हुआ क्या, पैदा हुआ नाली के पास और खुद के घर में 26 सुराखा और खुद की कमाई हुई एक साइकिल भी नहीं, वो भी जो गाड़ी से तू आ रहा है वो भी ससरे का खर्ज में दिलाया हुआ, जहेज में दी हुई गाड़ी, और इस इंटरनेशनल फकीर को इतना फख्र, पहना हुआ कपड़ा भीग का ससरा दिलाया, सो सास दिलाई, सो आए सो गाड़ी ससरे जहेज में दिए, सो
है सो घर का एडवांस भी बेचारे ससरे खरज लेकर दिए, सो ये सब पुगट कर रख लेकर, शान ये है कि इसके दस्तरखान पर बकरे का गोश्त चाहिए। अब ऐसे फकीरान को इतना फख्र हो इस बात में कि मेरा इस्तकबाल सही नहीं हुआ, मेरा इस्तकबाल सही नहीं हुआ, मेरा इस्तकबाल सही नहीं हुआ, इस बुनियाद पर तुझे गुस्सा आ रहा है। रमज़ान अपने शान के साथ जब आए उसका इस्तकबाल जैसी करनी चाहिए वैसा ना करने पर रमज़ान को गुस्सा नहीं आएगा। अरे भाई आएगा नहीं आएगा? क्या इस्तकबाल पर्दा देखने के लिए रमज़ान आ रहा है? पर्दा देखने आया, कालीन देखने आया, रोगन रंगो रोगन देखने आया, रमज़ान हमारे फल और फलारी देखने आया, समोसा और भजियाँ देखने आया, रमज़ान क्यों आया? हम ही देखने आया, तुम कैसे हो, तुम्हारा दिल कैसा है, तुम्हारी नज़र कैसी है, तुम्हारा सोच कैसा है, तुम्हारे जज्बात क्या हैं, तुम्हारे ख्यालात क्या हैं, तुम्हारी नीयतें क्या हैं, वो देखने के लिए आया। अब यहाँ आया तो क्या देख रहा है? बिल्कुल कोई इस्तकबाल का दूर दूर तक कोई इशारा ही नहीं है, दूर दूर तक कोई निशानी ही नहीं है। रमज़ान आया लेकिन देख रहा है कोई इस्तकबाल नहीं। तो रमज़ान, अरे मैं आया हूँ कुछ देने के लिए। जैसे सुबह सुबह फरिश्ते बरकत तकसीम करते हैं, बरकत जब बरकत तकसीम करते हैं देखते हैं दरवाज़ा बंद है। अरे भाई दरवाज़ा बंद है और वो आए बरकत तकसीम करने के लिए। अब यहाँ जनाब फजर को उठे ही नहीं, नौमुस्सुबही यमना उर्रिस्का, फजर छोड़कर कोई आदमी सोता है रिस्क से महरूम कर दिया जाता है। क्यों? बरकत देने के लिए आए, रिस्क देने के लिए आए। फरिश्तों ने देखा ये दरवाज़ा फजर में खुला ही नहीं, अब वो उसका रिस्क फरिश्ते लेकर वापस चले जाते हैं। इसी तरह रमज़ान की रहमतें हमारी मोहताज नहीं हैं, रमज़ान की रहमतों के हम मोहताज हैं। तो इस्तकबाल हम करेंगे भाई, हम किसी बड़े आदमी को बुलाए भाई हमारे घर को आओ भाई, हमारे घर को आओ भाई, हमारे घर को आओ भाई। जैसे बाज लोग अपने इलाके के रोड दिखाने के लिए MLA को बुलाते हैं, आपको देखो हमारा काउंसलर कितना बड़ा नालायक है, क्या दिखाने के लिए बुलाते हैं? रोड दिखाओ, देखो भाई नाला जिसके जिम्मे आपने नाले की सफाई दी क्या काम किया, देखो संडास बना दिया, नाला दाएं बाएं है, इसने पूरे रोड को नाला बना दिया। अरे भाई नाला भरेगा तो क्या होगा, गंदगी फैलेगी नहीं। तो आपने बुलाया, अब वो बेचारा आया आपके दुख और दर्द देखने के लिए सुनने के लिए, वो आया तो महल्ले में कौन भी नहीं, आप अंदाज़ा लगाइए नाराज होगा कि नहीं होगा। नहीं जी इतनी मस्ती तुम लोगों को, तुम्हें बुलाए आओ जी मैं आया, ठीक है भैया मैं आता हूँ, जब मैं आ रहा हूँ कोई भी नहीं। रमज़ान को हमने बुलाया, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब, हमने कहा ए परवरदिगार मेरी उम्र में बरकत अता फरमा रजब के महीने में और फिर शाबान के महीने में, दो महीने की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तख़सीस फरमा कर ये बता दिया रमज़ान की तैयारी 2 महीने पहले से करो। कैसी कैसी तैयारी? रजब में शाबान में, एक तो ये है रमज़ान का इंतज़ार करो और रमज़ान के लिए अपने बदन को लायक बनाओ, खा खा कर खाने की आदि मत बनाओ इस बदन को, ज़रा कम खाकर मेहनत ज़्यादा करने के आदि बनो ताकि सहरी फरमाने के बाद इफ्तारी तक सोने की आदि ना बनो। कम खाकर मेहनत करने के आदि बनो, कम खाने की आदत डालो, कम खाओ ज़्यादा काम करो, कम खाओ ज़्यादा काम करो, कम खाओ ज़्यादा काम करो। और हम लोग पेट भर को खाना, रमज़ान ये अलग चीज़ है भी, अल्लाह रिस्क का दरवाज़ा खोल देता है वो अलग चीज़ है, रिस्क का दरवाज़ा खोल देता है तो
खाने का महीना क्या रमज़ान, खूब खा रहे हैं, खूब खा रहे हैं, खूब खा रहे हैं, फजर की नमाज में भी ये डकारा, सहरी में खाए सो खाने के डकारा जोहर तक, इफ्तारी में खाए सो खाने के डकारा फजर तक। क्या है भाई, खाली हाजिमा खूब बिक रहा है। एक हकीम साहब कहने लगे हमारे यहां रमजान में हाजिमे की दवाइयां खूब बिकती हैं, हाजिमे की दवाइयां। पूछा गया भाई हाजिमे की दवाइयां क्यों खूब बिकती हैं, इसलिए कि रमजान में लोग बदहजमी की शिकायत करते, भाई हाजिमा नहीं हुआ, हाजिमा नहीं हुआ, हाजिमा नहीं हुआ। क्यों? लोग यूं समझते हैं दस्तरखान पर जितना आइटम है वो सब खाना फर्ज है रमजान का, हर आइटम खाना चाहिए, और बड़ा सदमा रहता है क्या बा वो इफ्तारी में वो आइटम खाने जगह नहीं थी ना, वो कब तक, दो दिन तक बोलते रहता है, अरे भाई गंजी दो खटोरे पिया, नहारी खाया और हलीम खाया, दलीम खाया, ये खाया वो खाया, अरे भाई वो मिठा खा नहीं सका, बड़ा सदमा इसको। क्यों? वो छूट गया भाई, हलक तक भर गया और भरने की जगह क्या है। बाज बाज लोग प्लास्टिक कवर ले लो इफ्तारी की दावतों में, क्यों? जो बच गया उठाकर डाल लो, जजाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। ये तो पहली बात कि इस तरह रोजे का, रोजे की रूहानियत खत्म मत करो, ज्यादा खाने से रोजे की रूहानियत खत्म हो जाती है। आदि बनो भाई, सुबह सहरी में हमने रोटी खाई, इतना भी नहीं कि कमजोर हो जाओ, इतना ज्यादा भी नहीं कि हाजिमे के लिए पड़े रहो। क्यों पड़ा हुआ है? जो खाया वो हजम करने के लिए, बेचारा हजम होते होते असर हुआ, फिर असर को भरकर वो जो मशीन है हमारी हजम करने की मशीन, वो थक जाती है रमजान में। कितना खा रहा है ये, अभी अभी अल्लाह अल्लाह बोलकर मुर्गी की बिरयानी हजम किया, फिर उसके ऊपर इसने ये डाला ये डाला ये डाला ये डाला, फिर उसको हजम करते करते मुझे रात तरावी, फिर तरावी के बाद ये डाला ये डाला ये डाला, अब उसे हजम करते करते सहरी, अब आधा हजम किया हुआ था फिर डाल डाल कर भर गया, फिर भाई मैं करूं क्या, वो ओवरलोड। जैसे इलेक्ट्रिक की गाड़ियां ओवरलोड में तेज चढ़ने में किलती कि नहीं किलती, तमाम इलेक्ट्रिक ऑटो वाले परेशान हैं, तीन आदमी अगर बैठ जाए टेक पर गाड़ी कीलना शुरू हो जाती है, इतना कीलती है, डर रहता है कहीं गाड़ी रिवर्स ना हो जाए। अब जनाब कीले 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 कर हमें बिचारी कहां तक पहुंचाई, असर तक, कीले कीले को अब असर में इतना लोड किया, फिर बिचारी किले 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 कर तरावी तक। अब अक्सर लोग तरावी में इसलिए भी नहीं आते, खा खा कर थक जाते हैं, खड़ने की हिम्मत नहीं रहती, खड़े नहीं हो सकते ज्यादा, जहां हो गई जहां पेट टाइट वहां इबादत लाइट, जहां पेट लाइट वहां इबादत टाइट, ये बात याद रखो। पेट अगर लाइट रहेगा इबादत टाइट कर सकोगे, पेट अगर टाइट हो जाएगा इबादत लाइट हो जाएगी, तरावी नहीं पढ़ सकोगे कब, जब पेट भर जाए। इसके लिए करना क्या चाहिए, रमजान में निजाम हमारा पेट भरने का निजाम ना रहे, हल्का गिजा खाएं। और हमारे कई जगहों पर तमिलनाडु वगैरह में गंजी बनाते हैं, यहां भी गंजी बनाते हैं, तो अक्सर लोगों को देखा गया बुजुर्गों को इफ्तारी में गंजी पी लिए, सहरी में गंजी पी लिए, और रात में अगर कुछ गंजी बच गई तो वो भी पी लिए, बस उनका पूरा रमजान गंजी में। अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह पूरा रमजान दो फिंजान चाय में, चाय पी लिए, थोड़ी सी रोटी के टुकड़े खा लिए, रोजा हो गया। क्यों? अल्लाह वालों को मजा अल्लाह की इबादत में है। अजीब बात, हजरत थानवी रहमतुल्लाह लिखते हैं जिसका अल्लाह से जितना ताल्लुक होता जाएगा उसका
दुनियावी रिस्क कम होगा, जन्नती रिस्क ज्यादा बढ़ जाएगी। और हमारा रिस्क दुनिया में रिस्क ज्यादा है, अभी जन्नत का रिस्क का दरवाजा खुला नहीं, जिसकी वजह से यहां खूब खाते हैं और दीगर अल्लाह के बंदे खाते कम हैं। हजरत आप बहुत कम खाएं, कहने में बस पेट भर गया। आप इतना कम खाएं, क्या हुआ? पेट भर गया। क्यों? रिस्कुहुम रिस्कुल मलाइका, अब उनका रिस्क फरिश्तों का रिस्क हो गया। जैसे हजरत ईसा अलैहि सलातु व सलाम जिस वक्त तशरीफ लाएंगे कोहे तूर पर, 70,000 लोगों को लेकर, मुसलमानों को लेकर पहुंचेंगे, तब पूरी दुनिया में याजूज माजूज का फितना होगा, कोई खाने के लिए चीज नहीं मिलेगी, इतना महंगा हो जाएगा, हर चीज की महंगाई ऐसी बढ़ जाएगी, बैल का सर उसके बराबर सोने की कीमत पर मिलेगा। बैल का सर उसके बराबर सोने की कीमत पर मिलेगा। बैल का सर कितना बड़ा होता है? उतना बड़ा सोने का डल्ला आप देंगे तो तब जाकर बैल का सर मिलेगा। उस वक्त परवरदिगार उन 70,000 लोग जो कोहे तूर पर होंगे, रिवायतों में आता है कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया रिस्कुहुम रिस्कुल मलाइका, उस वक्त उनका रिस्क फरिश्तों का रिस्क हो जाएगा। किसका रिस्क? यानी क्या मतलब? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, कुरान पाक की तिलावत, नमाजें और जिक्र अज़कार, इन तमाम में वो कुव्वत पाते रहेंगे, कुव्वत पाते रहेंगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से लोगों ने पूछा, हुजूर आप इतनी इबादत करते हैं, रोजा रखते हैं, रात नमाज पढ़ते हैं, हम भी ऐसा करना चाहते हैं। तो फरमाया अय्युकुम मिसली, सुनो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ इबादतें खास होती हैं, वो इबादतों की इत्तेबा बंदा और उम्मती नहीं कर सकता। हुजूर ने फरमाया तुम मेरी तरह रोजा रखोगे, तुम मेरी तरह नमाज पढ़ोगे। युतईमुनी रब्बी व यस्कीनी, मेरा रब मुझे खिलाता है, मेरा रब मुझे पिलाता है, तुम में से मेरी तरह कौन है? क्या मतलब? अभी तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी पैदा नहीं हुई, तुम मेरी तरह बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारे बस में जितना है उतना करो, तुम्हारे बस में जो नहीं है वो मत करो, जबरदस्ती मत करो। जैसे ये जितने लोग पैदल हज को जा रहे हैं, कभी उन्होंने पूछा उलमा से क्या पैदल हज को जाना अफजल है? कभी पूछा उन्होंने उलमा से? एक एक बेवकूफ उठ रहा है, सब जाना शुरू कर रहा है, मैं भी जा रहा हूं पैदल, मैं भी जा रहा हूं पैदल, मैं भी जा रहा हूं पैदल, मैं भी जा रहा हूं पैदल। अरे अल्लाह के बंदो, इधर आओ, उलमा से पूछो क्या पैदल हज में जाना अफजल है, कोई फजीलत है? कोई फजीलत नहीं, कोई फजीलत नहीं। उल्टा ये लोगों का मिजाज खराब कर रहे हैं, ये रिया है। किस एतबार से रिया है? इस एतबार से भाई तुम जा रहे हो पैदल तो दो चीजें, एक तो नौजवानों का दिमाग खराब कर रहे हो, तुम भी पैदल चलो, तुम भी पैदल चलो, तुम भी पैदल चलो, और दूसरी बात तुम आजकल एक आदमी का वेलकम देखकर इसे भी शौक पैदा हो गया, मैं भी इंटरनेशनल बनूं, मीडिया मेरे साथ चलेगी, लोग मुझे मुसाफा करेंगे, लोग मुझे फूल देंगे, लोग मुझे बुजुर्ग समझेंगे, लोग मेरा इकराम करेंगे। अरे इबादत खामोशी से करने को कहा गया, मुख्तलिफ किस्म की दावतें मिलेंगी, क्या ये गया, ठीक है गया, अल्लाह का बंदा, उसके पीछे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के जमाने में एक आदमी पड़ा हुआ है, लोग जमा हुए हैं, हुजूर तशरीफ लाए और हुजूर ने पूछा अला मन हादिहिल जमा, बुखारी की रिवायत है, ये लोग क्यों जमा है भाई, वहां क्यों जमा है? कहने लगे हुजूर जी सफर में रोजा रखा हुआ है, सफर में रोजा रखा हुआ, बेहोश हो गया। आपने फरमाया उसका रोजा इफ्तार कराओ,
ये सवाब नहीं है अपने आप को ताकत से बढ़कर तकलीफ देना, अपने आप को ताकत से बढ़कर तकलीफ देना ये सवाब नहीं है। क्या इसका तुम हुक्म दिए गए थे? तुम्हें ये हुक्म दिया गया तुम इस तरीके से रोजा रखो? ومن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر। अरे भाई कुरान तो कहता है अगर तू बीमार है या मुसाफिर है तो बाद में रोजा रख ले। जब कुरान कहता है, और कुरान किसका कलाम है भाई? अरे भाई कुरान किसका कलाम है? अरे भाई कुरान किसका कलाम है? और रोजा किसके लिए रख रहे हो? जब अल्लाह खुद कह रहा है बाद में रखो, नहीं मैं अबच रख दूँ, बाद में रखो जी, नहीं मैं अबच रख दूँ, अरे बाद में रखो भाई, नहीं मैं अबच रख दूँ, अल्लाह तुझे पैदल आओ बोलेगा काबतुल्लाह को? हाँ, तो आदम अलैहिस्सलाम बनना चाह रहा है, आदम अलैहिस्सलाम 40 हज करे, मैं भी करता हूँ। अरे इंसान तुझे खामोशी के साथ जा हज करके वापस आ, खामोशी के साथ जा हज करके वापस आराम से करो। और वो जो इतना लंबा खर्चा जो तुमने किया उसमें कितने गरीब लोग हैं जो हज करना चाहते हैं, साथ में लेकर जाओ भाई, तेरे खानदान के अफराद नहीं हैं, ले जाओ। ये तरीका नहीं होता हज करने का, हदीस में आपने मना किया, ये तरीका नहीं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताकत से बढ़कर किसी को तकलीफ नहीं देता, कुरान कहता है। तो इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो तकलीफ हम लोग भाई, एक तो ये है बेचारे जबरदस्ती अपने आप को तकलीफ पे डालते हैं, ये भी मना है। और बाज लोग तसव्वुर में रोजा छोड़ देते हैं, मैं शुगर पेशेंट, मुझे रोजा नहीं, कहीं को नहीं। शुगर पेशेंटों का बेहतरीन इलाज रोजा, अमेरिका के 55 डॉक्टरों का मुत्तफिका फैसला। तुम लोग तो कुरान से हदीस से पढ़कर डॉक्टरों पर ज्यादा भरोसा करते हो, किस पर भरोसा ज्यादा? अरे अमेरिका का डॉक्टर बोलिया क्या, ऑस्ट्रेलिया का डॉक्टर बोलिया क्या, फुलां बोलिया क्या, फुलां बोलिया क्या? तो इसलिए कह रहा हूं अमेरिकन डॉक्टरों का मुत्तफिका फैसला, अगर कोई, बल्कि यूं कहा जनरली कहा, अगर कोई साल में एक महीना रोजा रखे, कहा वो 36 बीमारियों से पाक हो जाता है। कितनी बीमारियों से बोलो भाई? अरे भाई कितनी बीमारियों से? 36, 30 पर 6, 30 पर 6 बीमारियों से पाक। और बड़ी बड़ी बीमारियां, छोटी छोटी बीमारियां नहीं, बड़ी बड़ी बीमारियां। और वो कैसे? सहरी में, इफ्तारी में। तवज्जो से सुनो, ये सोने वाले भी उठाओ भी इनको, कभी भी सो मारेंगे से के सोते रहना, ये छोड़ी आदत इन लोगों की। सहरी में, इफ्तारी में क्या करना? जौ, तवज्जो से समझो मेरे भाई, उम्र रसीदा लोग, उम्र रसीदा उनको भी बहुत ताकत मिलेगी। ये हमारे मौजिन साहब 80 साल के हैं, वो कहने लगे मौलाना जब से मैं आपके बताए हुए तरीके पर अमल किया मेरी आवाज़ रमज़ान में हमेशा पुई कर घुरती आवाज़ रमज़ान में बुलंद हो गई। किसकी बरकत से? सहरी इफ्तारी जौ की गंजी से करो, जौ की गंजी सुन्नत है, जिसको शईर कहते हैं, तलबीना जिसको कहते हैं, जौ की गंजी इतनी मुफीद। अगर हामिला औरत है वो भी आराम से रोजा रख सकती है। अगर कोई औरत बच्चे को दूध पिला रही है, गोद में बच्चा है, आम तौर पर औरतें रोजा नहीं रखती, क्यों? बच्चे का दूध कम हो जाएगा, बच्चा कोई कम नहीं होगा। 100 मदर हार्लिक्स के बराबर ताकत अल्लाह ने जौ में रखी है। किसमें? जौ। तो जौ की गंजी बनाकर पियो, और जौ की गंजी जब पकाओगे वो लेट पकेगा, वह आम रोटी की तरह, चावल की तरह जल्दी पकने वाली चीज नहीं है।
पांच सीटी देना, लेकिन हुक्मा ये कहते हैं जौ की गंजी सीटी लगाकर कुकर में डालकर पकाने से बेहतर आप हांडी में डालकर पकाओ। अब गैस के रेट बहुत ज़्यादा ही, क्या हजरत करना, सो चूल्हा लगा लो भाई, चूल्हा लगाओ, एक बार पका लियो वह आराम से, उसके बाद गर्म कर लियो तो काफ़ी है। घर में लकड़ियाँ लगाओ, तीन ईंटा लगाओ, समझ नहीं, चूल्हा लगाओ और उसमें क्या करो, हांडी में जौ डालकर छोड़ दो, वो पकते रहे पकते रहे। अगर गैस की कीमत आपको तकलीफ दे रही है कोई बात नहीं, वो करो, उसके जरिए से आप माशाल्लाह अगर वो तैयार हो जाए, आधा किलो पौ किलो तैयार कर लिए, एक गिलास जौ में, एक गिलास जौ में, एक कप जौ डाले तो 12 कप पानी डालना। कितना डालना बोलो, अरे भाई कितना डालना, एक कप अगर जौ डालो तो कितने कप पानी डालना, 12 कप। जब 12 कप पानी डालोगे वो जिरते 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 6 कप हो जाएगा और बिल्कुल मुकव्वी ग़िज़ा। उसके बाद आप चाहे अचार लगाकर पी लो, शुरू शुरू में जहां मज़ा देखे वहां सज़ा पाए, जहां मज़ा देखे वहां सज़ा पाए, मज़ा कम रहेगा कोई बात नहीं, एक गिलास पीने की हिम्मत करो, अपने जायके के मुताबिक नमक, जायके के मुताबिक अचार, जायके के मुताबिक गुड़, जायके के मुताबिक शहद मिला लो, पी लो, सहरी में एक गिलास पिला दो शुगर पेशेंटों को, जितने शुगर पेशेंट आई। अरे अल्लाह के बंदो, तुम्हारे शुगरें कितने हैं, 300-400, माशाल्लाह हमारे एक हजरत थी उनका शुगर 700, कोई रोज़ा नहीं छोड़ते, कितने शुगर 700 वाले पूरे सकरात में रहती हैं, 700 शुगर वाले किसमें रहते हैं, सकरात, अत्तहियात में चले गए, कभी भी सीटी फूक सकती, वैसी हालत 700 की होती है, लेकिन माशाल्लाह हशाश और बशाश पूरे बयानात, पूरे जितनी इबादतें हैं बशाशत के साथ, वजह सहरी और इफ्तारी में जौ, 700 शुगर वाला, 700-800 जिसका नॉर्मल 550 रहता है फास्टिंग, नाश्ते के बाद 700-750 हो जाता है, वो अल्लाह का बंदा रोजा रख रहा है, कोई तकलीफ नहीं, बहुत राहत। इसलिए मैं अभी से कह रहा हूँ, रमज़ान का चांद देखते ही बास लोग होते हैं, फिदिया दे डाल तुम्हें, फिदिया दे डाल तुम्हें, जायज़ नहीं है आपका फिदिया देना। हाँ अगर कोई बंदा बहुत कमज़ोर है, सहरी करे, सहरी करे, जब तक वो रोज़ा रख सकता है रखे, कब तक रख सकती हैं, 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक रख सकती, हाँ रख सकती, रखो, रखने के बाद नहीं हुआ रोज़ा इफ्तार कर लो, अल्लाह से कह दे अल्लाह मेरे बस में जो था उतना रखा, उसके बाद मैं नहीं रख सका। मैं जुल्म नहीं कर रहा हूँ आप लोगों पर, अगर आप में कोई ऐसी तकलीफ़ वाले हैं, परेशान हैं, तो वो ऐसी तरतीब बनाएं कि जब तक उनके दम में दम है रोज़ा रखो, जब उनका दम ख़त्म हो जाए, टूट जाए, बेबस हो जाए, कमज़ोर हो जाए, लाचार हो जाए, तो रोज़ा क्या करो बोलो भाई, इफ्तार कर लो, गुनहगार नहीं होंगे, सब करेंगे इंशाल्लाह। ये मसाइल मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ, रमज़ान आने से पहले बहुत सारे टुडुक मुफ्तियाँ पैदा हो जाती, कैसे मुफ्तियाँ, टुडुक्स, टुडुक मुफ्तियाँ, उन्हें उन्हें फतवा देने का बड़ा शौक़, बहुत शौक पैदा हो जाता है रमज़ान में, मुफ्तियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती, नहीं हो जाते, हम ना फतवा देती, तुम ना मालूम नहीं छुपके बैठो हजरत का था, हम ना तुम ना मालूम नहीं छुपके बैठो हजरत का था। खैर अल्लाह उन सबको सही इल्म अता फरमाए। तो मैं ये कह रहा हूँ इंशाल्लाह, नियत करेंगे भाई इंशाल्लाह, अल्लाह ताला इंशाल्लाह बहुत सुकून से रमज़ान गुजारेंगे, पूरी इबादतें हम अच्छी तरह करेंगे,
कोई तकलीफ इंशाल्लाह हमें नहीं होगी। अल्लाह ताला हमारा रमज़ान खैर से खैर रमज़ान बनाएंगे। और दूसरी बात, इस वक्त सबसे ज़्यादा हमारे अकाबरीन इस वक्त मुतवज्जे ये हैं, रमज़ान में हिंदुस्तान के हालात के लिए खूब दुआएं करें और खूब दुआएं करें, और उसके लिए अपने वोटर आईडी जो बार बार कहा जा रहा है, जिन जिन के पास वोटिंग का हक निकल चुका है, जिन जिन के पास है लेकिन कमज़ोर हो चुका है, वो सब अपने वोटर आईडी की फिक्र करके, जब रमज़ान मुबारक हो कोई बात नहीं, लेकिन बना लो जल्द अज जल्द। इंशाल्लाह हमारा कार्ड अगर बन जाएगा, उम्मीद है अल्लाह की जात से आने वाले इलेक्शन का ऐलान कभी भी हो सकता है, जब भी होगा तो हम इंशाल्लाह अपने अपने एतबार से कार्ड के साथ इंशाल्लाह तैयार रहेंगे। अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक सही गुजारने की हम सबको तौफीक अता फरमाए, और इफ्तारी और सहरी में ख़ास तौर पर हलाल गिज़ा से इफ्तारी और सहरी करने का इरादा करो, हराम से पूरी पूरी इज्तनाब करो। और तीसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है, टाइमिंग आजकल बाहर निकलते हुए 26 जने काड़ा बांटती रहती, पूरे काड़ा आसमान से उतरे सो समझ को लेकर जेब में रख लियो नको। वो काड़ा का असल मकसद पीछे का एडवर्टाइजमेंट, काड़ा का असल मकसद क्या होता है, पीछे का एडवर्टाइजमेंट। वो एडवर्टाइजमेंट देख लीजिए, दुआ दे दीजिए, जो कुछ जरूरतमंद है लोग हैं उनको रहबरी कर दीजिए, उससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन औकात सलात में जो हमारे पास औकात दो तरह के, एक जमीयतुल उलमा की है, एक इमारत शरिया की है, ये बात बहुत ज़रूरी है। और इन दोनों औकात सलात में 3-3 मिनट का फ़र्क है, तवज्जो से ये बात समझो। तो जिस वक्त आप देखें कि औकात सलात में दो, ये कहें सुबह सादिक का टाइम, आप मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं दाई में औकात सला, एक है सुबह सादिक का टाइम, एक है सहरी का आखिरी वक्त। दो टाइम रहता है भाई, सुबह सादिक का टाइम और सहरी का आखिरी वक्त। सहरी का आखिरी वक्त 10 मिनट पहले ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद सुबह सादिक का टाइम शुरू होता है। सुबह सादिक का टाइम फजर की नमाज का टाइम और सहरी का आखिरी वक्त, ये उससे 10 मिनट पहले होता है। तो सब साथियों से गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते आप हजरात वो जो सहरी का आखिरी वक्त है उस वक्त में अपना रोज़ा मुकम्मल कर लो, अपनी सहरी मुकम्मल कर लो। नहीं भाई, हयाल सलात तक टाइम है, हयाल अलफला तक टाइम है बोलकर रमज़ान का रोज़ा तबाह मत करो। एक जल्दी उठो और जल्दी उठकर एक 10 मिनट पहले इंशाल्लाह ख़त्म कर लो। वो जो 10 मिनट है वो 10 मिनट में तहज्जुद पढ़कर अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।